हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तंदूर एंड फ्राई किचन और मैं शेफ कादिर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल छोटा सा रेसिपी और बड़े ही आसानी से बनकर तैयार होने वाला रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, आज के रेसिपी में हम देखेंगे फ्रेश अंगूर से किशमिश किस तरह बनकर तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मार्केट में मिलता है अंगूर, फ्रेश अंगूर, उससे किशमिश बनाकर हम तैयार करेंगे। ये किस तरह से बनता है, बड़े आसानी से कोई भी इसे घर पर बड़े आसानी से बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं और आप इसे घर पर बनाकर और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो दोस्तों चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फ्रेश अंगूर से किशमिश किस तरह से बनकर तैयार होता है। हमने यहाँ पे हाफ के जी फ्रेश अंगूर लिया है जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये मार्च और अप्रैल महीने में बहुत ही कम प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल होता है और इसी टाइम में हम किशमिश बनाकर बड़े आसानी से शेप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने हाफ के जी यहाँ पे अंगूर लिया है और ये सीडलेस अंगूर होना चाहिए और मीठा अंगूर और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसका डंठल हटा के हम इसे साफ कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसका डंठल हटा लिया है। अंगूर हमारा जितना अच्छा क्वालिटी का होगा, उसी तरह उतना ही अच्छे क्वालिटी का किशमिश बनकर तैयार होगा। ये बिल्कुल सीडलेस और मीठा अंगूर है। हमने यहाँ पे हाफ के जी लिया है और आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ख़राब अंगूर, सड़ा गला जो है, उसे हम अलग कर देंगे, किशमिश बनाने में हम इसे यूज नहीं करेंगे। और हमने यहाँ पे पानी बढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। पानी को अच्छी तरह उबलने देते हैं। पानी बिल्कुल अच्छी तरह उबलने के बाद ही हम इस अंगूर को इस पानी में डाल देंगे। पानी को बिल्कुल अच्छी तरह उबालेंगे और इसके बाद ही हम इस अंगूर को पानी में डाल देंगे और इसे हम स्लो फ्लेम में करीबन 10 मिनट इसे हम पकाएंगे और इसे पकने देते हैं। इसी तरह जब सारे अंगूर अपने आप पक जाएंगे तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। तो इसे पकने देते हैं और ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है और इसे हम स्लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट पकने के बाद ये देखिए इसका कलर बिल्कुल धीरे धीरे चेंज होने लगा है और ये अपने आप पानी से ऊपर तैरने लगा है। और इसे हम और 2 से 3 मिनट इसी तरह पकाएंगे और ये कलर बिल्कुल और थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसमें हल्का सा क्रस आएगा। जब ही हम समझ जाएंगे कि हमारा अंगूर जो है बिल्कुल बराबर पक चुका है, तो इसे 1-2 मिनट और पकने देते हैं। और इस अंगूर को पकते हुए बिल्कुल 10 मिनट हो चुका है और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल बढ़िया सा चेंज हो चुका है और इसमें हल्के हल्के क्रस आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें हल्के हल्के क्रस आ चुके हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट पककर तैयार हो चुका है। अब इसे हम स्टेन कर लेंगे। अब इस अंगूर को हम किसी भी मसलिन क्लॉथ के ऊपर या तो फिर किसी कॉटन के तावल के ऊपर रखकर हम इसे धूप में सुखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अंगूर से किशमिश बनने के लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम 1 से 2 दिन तक इसी तरह धूप में, अच्छी धूप में सुखाएंगे और ये अंगूर से किशमिश बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, 2 दिन के लिए हमने किशमिश को धूप में सूखने के लिए रख दिया था। किशमिश हमारा बिल्कुल बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं, मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी का किशमिश हमारा बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, आपको मार्केट में अच्छी खासी रेट में भी इस तरह सा किशमिश नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फाइन क्वालिटी का किशमिश हमारा बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, आप इस बिजनेस को घर से शुरू कीजिए, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाइए। अगर आप इसे घर पर रख कर यूज करना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसे ज़्यादा दिन
यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया सा क्वालिटी का किशमिश हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।